तो गाइस कैसे हैं आप सब। मैं आप आज के बाद आपके पास कुछ ऐसी चीज़ लेकर आया हूँ जिसकी नीड सबको होती है, और आप ये चीज़ जो है मुझसे ले सकते हैं और चाहे तो लोगों को बेच भी सकते हैं। तो एज अ कस्टमर भी आप मुझसे ये चीज़ परचेज कर सकते हैं, और चाहे तो आप मुझसे रीसेलर अकाउंट लेकर भी आप जो है लोगों को ये सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो ये सर्विस क्या है और कितने काम की है इसके बारे में आज हम समझते हैं। आपको ये चीज़ पता है कि गूगल ड्राइव का जो स्टोरेज होता है, ये आपको दिख रहा है यहाँ पे, 15 GB हमें मिलती है फ्री में। और अगर मैं इसको परचेज करने जाता हूँ उसके बाद में, तो यहाँ पे प्राइजेस देखकर हम थोड़ा हैरान हो जाते हैं कि ये जो देखो कितने हाई फाई प्राइजेस हमसे ये ले रहे हैं। तो 100 GB तक जो है 130 रुपये पर मंथ होता है, तो साल भर आप सोचिए कितना हमें पैसा यहाँ पे खर्चा करना पड़ जाता है। तो इसका सॉल्यूशन मैं लेकर आपके पास आ गया हूँ। इसका सॉल्यूशन क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से आप जो है इसको अनलिमिटेड कर सकते हो और जितना चाहे उतना डाटा आप स्टोर करके रख सकते हो। ठीक है, तो अभी देखिए यहाँ पे स्टोरेज कितना है, सिर्फ 15 GB है। और मैं अभी नया डाटा अगर स्टोर करते जाता हूँ तो ये GB भरते जाता है। तो ये 15 GB भरने के बाद मुझे कहीं कहीं इसको जो है सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है और पैसे पे करने होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है इसके बारे में मैं आपको मैं समझाता हूँ। ठीक है, इसका सॉल्यूशन ये है यहाँ पे कि यहाँ पे अगर हम जाते हैं तो ये देखिए इसका सोल्यूशन मैं आपको बताता हूँ क्या है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे जो है एक एडमिन अकाउंट लिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे इस वाले अकाउंट में मेरा जो अकाउंट है, ये देखिए ये जो मेरा अकाउंट है यहाँ पे अमित वाधानी एट द रेट ऑफ, ये जो अकाउंट है मेरा, मैं ये अनलिमिटेड स्टोरेज वाला अकाउंट है ये मेरा, और ये एडमिन रीसेलर अकाउंट है ये। ठीक है, गूगल ड्राइव का ही है, मतलब गूगल का ही अकाउंट बनाया हुआ है नया मेरा, ये हमने कहीं से परचेज किया हुआ है रीसेलर अकाउंट। वैसे आप भी हमसे ले सकते हैं। हम आपको किस तरीके से गूगल ड्राइव का स्पेस देते हैं ये A to Z मैं आपको यहाँ पे समझाने वाला हूँ। तो अब ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे स्टोरेज मेरे पास अनलिमिटेड है। यहाँ पे कहीं नहीं ये बोल रहा है कि आपका स्टोरेज जो है 15 GB है। मैं यहाँ पे सिर्फ ये बता रहा है कि आपने इतना यूज़ किया है। यहाँ पे कहीं पे भी लिमिटेशंस नहीं है, जो लिमिटेशन मुझे वहाँ पे 15 GB मिलती है। अब मुझे अगर किसी को भी अकाउंट्स देने हैं, तो देखो यहाँ पे देखो इतने सारे ये मैंने अकाउंट्स बनाए हैं, ये दिख रहा है आपको, जितने सारे मुझे मैंने अकाउंट्स ये सब बनाए हैं, लोगों को एक्सेस दिया हुआ है। तो यही होता है यहाँ पे, जैसे अब मुझे इस वाले अकाउंट में उस अकाउंट के लिए मुझे नया ड्राइव बनाना है, तो मैं किस तरीके से आपको न्यू ड्राइव बना के दूंगा ये मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं न्यू शेयर ड्राइव पे जाऊँगा और यहाँ पे चलो लिखूंगा अमित अनलिमिटेड ड्राइव। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब जैसे ही यहाँ पे मैं अनलिमिटेड ड्राइव क्रिएट करता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे ये आ गया है यहाँ पे। अब मुझे इसको एक्सेस देना है सामने वाले को, मतलब जिसको मैं बेच रहा हूँ। ठीक है, जैसे मैं आपको बेच रहा हूँ, तो मैं यहाँ से एक्सेस दूंगा आपको। मैनेज मेंबर में जाऊँगा और मैनेज मेंबर में जाने के बाद में यहाँ पे जो है सामने वाले की ईमेल आईडी जिसको मुझे एक्सेस देना है, जैसे मुझे इसे एक्सेस देना है .com। राइट, तो ये मेरे को ये मैं एक्सेस यहाँ पे दे रहा हूँ इनको, और मैं इनको जो है एक्सेस यहाँ पे ये दे देता हूँ। तो देने के बाद जो है इनको मैं जो है पूरा पूरा एक्सेस दे देता हूँ कि ये आपका हो गया, और मैं इनको सेंड कर देता हूँ। ठीक है, और शेयर एनीवे कर देता हूँ यहाँ पे मैं। और इसके बाद एक चीज़ है कि मैं यहाँ से हट जाऊँगा। ठीक, क्योंकि ये डाटा ये स्टोरेज मैंने उनको दे दिया है, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे जो मेरा एक्सेस है, मैनेज मेंबर में जाऊँगा, और मैनेज मेंबर में जाने के बाद ये जो है मेरा यहाँ पे मैनेजर जो है यहाँ से मैं हट जाऊँगा, रिमूव एक्सेस कर दूंगा। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पे इनको जो है गूगल ड्राइव की स्पेस दे दी पूरी फुल, और मैं खुद से हट गया। ठीक है, मैं खुद से यहाँ से हट जाऊँगा, एज ए मैनेजर यहाँ पे है तो यहाँ पे मैं रिमूव हो जाऊँगा, खुद से मैं हट जाऊँगा। तो जिसको मैंने एक्सेस दिया सिर्फ वही रहेगा, अब इस पर मैं खुद दोबारा जोड़ नहीं सकता। ठीक है, रिमूव एक्सेस मैं खुद से कर दूंगा। तो ये देखो इसके बाद अब देखो उसके अकाउंट में जाता हूँ मैं। ठीक, ये मैंने देखो ड्राइव दिया, अब इसके बाद मैं अब उसमें चले जाता हूँ। ठीक है, मैं उनके में जाके दिखाता हूँ आपको। ठीक, अब ये देखो यहाँ पे मैं चेक करता हूँ कि मुझे स्पेस आया है कि नहीं आया है, तो शेयर्ड विथ मी में जाके चेक करता हूँ यहाँ पे मैं। ओके, तो अगर मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पे, तो
तो मुझे इस तरीके से यहाँ पे शेयर ड्राइव के अंदर ये ड्राइव दिखा रहा है। अब इसके अंदर जब मैं जा रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे देखो यहाँ पे चीज़ें मिल गई हैं यहाँ पे, तो इसके अंदर जाके मैं जो है यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इसके अंदर जाके मैं जितना चाहे अपने डाटा यहाँ पे स्टोर करके रख सकता हूँ, ये चीज़ मैं कर सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैनेज मेंबर्स लिखा हुआ है यहाँ पे, चाहूँ तो मैं किसी को अगर मैं अपने साथ जोड़ना चाहूँ तो जोड़ सकता हूँ, मैं एज अ क्लाइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से स्टोरेज उसको मिल जाता है, और ये स्टोरेज का मैं एक चीज़ बता देता हूँ, एकदम सिक्योर होता है। कोई और भी अगर मैं आपको एक्सेस दे रहा हूँ गूगल ड्राइव का, तो ये मैं खुद एक्सेस नहीं कर सकता, आपको एक बार देने के बाद मैं खुद से एक्सेस नहीं कर सकता, ठीक। ये चीज़ होती है, और इसमें देखो यहाँ पे इसका कोई यूज़ नहीं है। अब डाटा जो है आपको यहाँ पे स्टोर करना है, और यहाँ पे देखो मैनेज मेंबर्स में आप चाहो तो जाके जो किसी को भी ऐड कर, अगर एज अ क्लाइंट ऐड कर सकते हो आप, कि जो आपका ड्राइव देखना चाहता है, शेयर कर सकते हो, हर चीज़ कर सकते हो आप। तो इस तरीके से चीज़ होती है ये, ठीक। और इसके बाद अगर हम आगे बात करें, ठीक है, अगर मैं आगे बात करूँ इसका, तो इस तरीके से मैं ड्राइव किसी को दे सकता हूँ मैं पूरा। और इसका जो एडमिन अकाउंट चाहिए, अगर आपको चाहिए एडमिन अकाउंट, जिससे आप लोगों को चाहते हो कि लोगों को भी हम गूगल ड्राइव की स्पेस दें, तो आप मुझसे ले सकते हो। सिंगल अकाउंट चाहिए आपको गूगल ड्राइव का, तो वो भी आप ले सकते हो। मैं पहले बता देता हूँ आपको, इसमें कुछ भी हिडन चीज़ें नहीं हैं, कुछ भी चीज़ें छुपाई नहीं जा रही हैं। आपका डाटा ए टू जेड सिक्योर होता है। अगर आप मुझसे रीसेलर अकाउंट लेते हैं और लोगों को जो है एक्सेस देते हैं गूगल ड्राइव की स्पेस सेल करना चाहते हैं, तो ऐसा आप नया अकाउंट मुझसे बनवा सकते हैं। देखिए यहाँ पे स्पेस की कोई लिमिटेशंस नहीं है, लेकिन 15 GB जहाँ होता है वहाँ पे लिमिटेशन लिखा आता है साफ साफ। तो जो नया अकाउंट अगर आप एज अ रीसेलर लेते हो, तो उसमें ऐसा अकाउंट मिलेगा जिससे आप लोगों को जितने चाहे अपने ड्राइव्स बनाकर दे सकते हो। ड्राइव देने के बाद खुद से हट जाना है आपको, और अगर मान लो आप नहीं भी हटते हो तो जो जिसको आप एक्सेस दोगे तो वो आपको हटा सकता है, उसके हाथ में होता है। तो क्लाइंट यहाँ पे भगवान है, जिसको एक्सेस मिलता है वो उसके हाथ में सब कुछ होता है, उसका डाटा कोई भी देख नहीं सकता है, आप भी देख नहीं सकते, ठीक है। वो उसके हाथ में हर पूरा कंट्रोल होता है, ठीक। तो ये एक सिक्योर है, सिक्योर चीज़ है। इसको मैंने ऑलरेडी टेस्ट किया हुआ है 9 से 10 महीना, कोई भी इश्यूज़ नहीं आए हैं अभी तक, और मुझे नहीं लगता कोई फ्यूचर में इशूज़ आएंगे। और कई लोग मार्केट में सस्ती चीज़ें बेच रहे हैं, बच के रहिए और जेन्युइन चीज़ लीजिए। देखिए बात ना 100, 200 या 300 रुपये की नहीं होती है, मार्केट में कई लोग और मार्केट ख़राब करने के लिए बैठे हैं। होता क्या है, कई लोग आते हैं मेरे पास, बोलते हैं सर ये तो सस्ते में दे रहा है, ये दे रहा है। सर वो चीज़ें क्या दे रहा है और मैं आपको क्या चीज़ दे रहा हूँ, दोनों में जो है जमीन आसमान का फ़र्क होता है। आप ये चीज़ जो है ट्रस्ट करके ले सकते हो बिल्कुल। आप यहाँ पे बात 100-200 की नहीं होती है, बात होती है जो चीज़ हम ले रहे हैं वो कितनी सही है, क्या है, वो मेन चीज़ है भाई। चाइना प्रोडक्ट में और एप्पल की मोबाइल में जो फ़र्क होता है, वही फ़र्क यहाँ पे जो मार्केट में लोग सस्ते में दे रहे हैं उसमें है और मेरे प्रोडक्ट्स में है। मेरे प्रोडक्ट्स में आप जिन्हों आप बुन के बिल्कुल विश्वास करके आप प्रोडक्ट्स ले सकते हो। मेरी बहुत पुरानी कंपनी है, आप एकदम ट्रस्ट करके ले सकते हो प्रोडक्ट्स, कोई भी इश्यूज़ नहीं है। और बहुत हमारी जो कंपनी है वो आप चेक कर सकते हो, डिजिटल बाबा के नाम से चलती है, जो बहुत पुरानी कंपनी है हमारी, तो आप एकदम ट्रस्ट कर सकते हो हमारे ऊपर, कोई भी इश्यूज़ नहीं है। रीसेलर अकाउंट भी अवेलेबल है इसका, पूरा नया आपको आईडी पासवर्ड बन के मिलेगा आपके नाम से अगर आप रीसेलर लेते हैं। सिंगल अकाउंट लेना चाहते हैं तो भी गूगल ड्राइव का स्पेस हम आपको दे देंगे। तो सिंगल अकाउंट और रीसेलर अकाउंट दोनों अवेलेबल है। सिंगल अकाउंट 500 रुपीज़ का है, और रीसेलर अकाउंट मैं आपको एकदम फिक्स प्राइस बता देता हूँ, उसमें से 1 रुपये भी कम नहीं होगा। 6,500 रुपीज़ का रीसेलर अकाउंट है, मीन्स आपको नया अकाउंट बन के मिलेगा आपका पर्सनल खुद का, ठीक। 6,500 रुपीज़ में रीसेलर अकाउंट है, सिंगल अकाउंट 500 रुपीज़ है। कुछ भी प्राइस निगोशिएशन नहीं होगा, तो प्लीज़ बार्गनिंग आप ना करें जब आप मुझसे कांटेक्ट करने आएंगे, तो क्योंकि हम बहुत थोड़ा परेशान हो जाते हैं उस चीज़ों में, बार्गनिंग की चीज़ों में, क्योंकि हम कस्टमर को ना बोलना ही पसंद नहीं करते हैं, अच्छा नहीं लगता ना बोलना, लेकिन हमारी मजबूरी हो जाती है। तो प्लीज़ आप उस चीज़ को कस्टमर की गरिमा बनाए रखें। और जो चीज़ आपको मैं दे रहा हूँ सर, आप ना अगर एज अ रीसेलर लेते हो तो कस्टमर जिसको आप दोगे कभी भी उसको इशू नहीं आएगा सर, ठीक है। हो सकता है मार्केट में कोई आपको 100, 200 या 1,000 कम में दे दे, लेकिन उसमें मत पड़िएगा। बहुत बहुत केसेस हम देख चुके हैं, आपको जो जेन्युइन चीज़ मिल रही है आप उस पर जाइए, विश्वास करके लीजिए। देखिए हमने इतने सारे ड्राइव्स ऑलरेडी इसमें से मैंने बेचे हुए हैं, और जितना चाहे उतने ड्राइव और मैं यहाँ पे न्यू करके और बना सकता हूँ, लोगों को दे सकता हूँ, एक्सेस दे सकता हूँ। तो यहाँ पे अनलिमिटेड आप लोगों को एक्सेस दे सकते हो। और दूसरी बात यह है कि अगर आप खुद से रिमूव नहीं भी होते हैं, तो जिसको आप एक्सेस दे रहे हो वो आपको रिमूव कर सकता है,
ठीक है। तो क्लाइंट यहाँ पे सबसे ऊपर है, जिसको ड्राइव दी जाती है वो मालिक है, उसको वो उसके हाथ में सब कुछ कंट्रोल होता है, वो चाहे तो उसका ड्राइव कोई भी देख नहीं सकता, सब सिक्योर है, तो कोई भी टेंशन नहीं है यहाँ पे। यहाँ पे देख सकते हो कि अनलिमिटेड स्पेस मिल रही है, कोई इशू नहीं है, एकदम सिक्योर चीज़ देता हूँ मैं। अब डिजिटल बाबा कंपनी में आप बिल्कुल आप विश्वास कर सकते हो, कोई भी ट्रस्ट आपको इश्यूज नहीं आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि भाई यहाँ पे आपको जो स्टोरेज मिल रहा है अनलिमिटेड मिल रहा है, ठीक है, कोई भी इश्यूज नहीं आएंगे आपके, एकदम सिक्योर चीज़ है। आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, सिंगल अकाउंट 500 रुपीज़ का है एज अ कस्टमर आप लेना चाहते हैं तो, और रिसेलर अकाउंट 6,500 रुपीज़ का है, उसमें 1 रुपये का भी निगोशिएशन नहीं होगा, ये फिक्स प्राइस है। और मैं जो चीज़ दे रहा हूँ सर वो आप ट्रस्ट करके ले सकते हो, मार्केट में जो है 1 महीना 2 महीने वाले अकाउंट्स भी लोग जो है बना के दे देते हैं, 2 महीने के बाद देखो तो सब खत्म। तो प्लीज़ 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 अगर आप रीसेलर हैं तो क्लाइंट के साथ जो है बिल्कुल आप छेड़खानी ना करें, उनके डाटा के साथ छेड़खानी ना करें, क्योंकि कई बार क्या होता है अगर आप सस्ते में कहीं से लेके देते हैं वो क्लाइंट को, तो हो सकता है उसका डाटा जो है उड़ जाए। लेकिन मेरे वाले में कस्टमर को मैं गारंटी के साथ दूंगा कि आपका डाटा बिल्कुल सिक्योर रहेगा, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, कुछ भी इश्यूज नहीं आएंगे, यू कैन ट्रस्ट द डिजिटल बाबा। टेक केयर, गुड बाय। नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, यहाँ भी दिया हुआ है, मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो। अगर एज अ रीसेलर आप लेना चाहते हो तो ये बिजनेस बहुत अच्छा है। आप गूगल ड्राइव का ना एक बैनर बना के 500 रुपीज़ में आप फेसबुक पे ऐड चलाइए, लोग आपके पास आएंगे, फेसबुक पे ऐड चला चला के आप जो है इसका मार्केटिंग करिए अगर ऐसा रिसेलर लेना चाहते हैं तो, और कस्टमर आपके आते हैं तो 500 रुपीज़ में आप जो है इनको ड्राइव दे सकते हो। बाकी आपके प्राइसेज आपके ऊपर है, जो चाहे रेट बेचो आपके ऊपर है। टेक केयर, गुड बाय।